मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी पर गर्व करनी चाहिए और हिंदी भाषा को अपनाने या बोलने में कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो हिंदी भाषा को बोलने में हिचकिचाते हैं या हिंदी भाषा को बोलते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना ही होगा, उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी विवेकानंद ने दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। यदि हमारे किसी भी भाई बहन को हिंदी बोलना या लिखना नहीं आता तो उन्हें किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमें हिंदी आती है। क्या आपने किसी देश को देखा है जहाँ सरकारी काम उनकी राष्ट्रभाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा या इंग्लिश में होता हो? यहाँ तक कि जो विदेशी मंत्री या व्यापारी हमारे देश में आते हैं वे अपनी भाषा में काम करते हैं या भाषण देते हैं, फिर उनके अनुवादक हमें हमारी भाषा या इंग्लिश में अनुवाद करके समझाते हैं। जब वे अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं तो हमें हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को छोड़कर इंग्लिश में काम करने की क्या ज़रूरत? क्या आपको पता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने हिंदी की शिक्षा के लिए लगभग $114 मिलियन का बजट आवंटित किया था? हमें अपनी राष्ट्रीय भाषा पर गर्व करना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।